Наполняю пространство. Есть максат тебе, а ты нас мрактор тебя не а мне уски разбавляя, а уски палья формат тебе не обрая гая. Мы шукургизар хом, а наши сати разбавляю га, чунки пите 3 маса, мы мегун тюрпин га, а в кали мне амад ви га. सबसे पहले मैं तंजीम के अहदेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ. उन्होंने जिस अंदाज की इस 3 माह के दौरान या 4 माह के दौरान खिदमत अंजाम दी है वो सिर्फ काबिले सिफारिश और काबिले मुबारकबाद है. जब भी मोने उनकी तारीफ लिखेगा इन इन जितने भी खिदमतगार हैं अहदेदारान हो या वर्कर्स हो उनका नाम उनकी फहरिस्त में सुनहरे लफ्जों से लिखा जाएगा. उस तरह के उन्होंने खिदमत अंजाम दी है कि वक्त नहीं है वरना तंजीम की 50 साल तारीख आपके सामने रख पाता. मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ दिल की गहराइयों से जमात मुस्लिमीन की तरफ से हमारे अदारे कल भी हमारा था आज भी हमारा है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी हमारा रहेगा. हमारे अदारे के जितने भी अहदेदार हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी खिदमत को सलाम पेश करता हूँ. इसी तरह हमारे अतीकुर रहमान साहब मुझे बड़ा अधूरा नहीं लगता उनकी इन खिदमत को देखते हुए कि क्योंकि जिस घर में उनकी पैदाइश हुई यहाँ पर उन्हें पले बढ़े जिनका हाथ पकड़कर उन्होंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा. मरहूम मुनीर साहब ये वक्त नहीं है वरना उनकी 50 साल दम्बर से लेकर उनकी मौत तक की जिंदगी का एक खाका मैं आपके सामने पेश कर सकता था. उन्हीं के फर्जने अंजुमन जनाब अतीकुर रहमान साहब जिस अंदाज के उन्होंने खिदमत अंजाम दी है मैं उन्हें दिल की गहराइयों से मुस्लिम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपकी यह खिदमत आपके वालिद मामून की तरह हमेशा जारी और सारी रहे और न सिर्फ बरकत के महकूम रहे बरकत के बाद भी जितने भी पुरबुजवार हैं आपकी फैमिली के लोग बसते हैं वहाँ पर भी आपकी खिदमत का इदारा वसी कर होता चला जाए. मैं मुबारकबाद पेश करूँगा हमारे दो जमात के सदर और मुंतसर अबू मोहम्मद साहब को जिनके खिदमत इस बस्ती के लिए कुर्ब जवाब के लिए जब मिसाल रही है. उन्होंने इस दौर में जब से हमें असल जरूरत थी एक एम्बुलेंस की कोई भी हॉस्पिटल कोई क्लिनिक अपनी एम्बुलेंस इस वक्त नहीं दे सकता कि तो उनको भी उनके पेशेंट के लिए जरूरत हुआ करती है. उस वक्त भी अपने असल रसूल का इस्तेमाल करते हुए 3 माह के लिए हमें कनचूर हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस मुहैया की और वक्त वक्त पर उनकी खिदमत हमारे साथ रही है. और उमर साहब आपको भी हमारे मरकजी जमात मुस्लिमीन की तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं आपकी यह खिदमत इंशाल्लाह ताहिया जाने वो सारी रहेगी. इसी तरह हमारे अब्दुल अजीज दोस्त इनायत उल्लाह शाहबंदी साहब चूंकि पोलिटिकल पार्टी से उनका वो मुजर रहे हैं फिर भी जिस अंदाज के उन्होंने कौमी खिदमत को अपना एक जबर मिसाल खिदमत अंजाम देने का जो रहता है एक टारगेट रहता है उसको मद्देनजर रखकर इस 4 माह के दौरान उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी है मैं इनायतुल्लाह साहब आपको न सिर्फ मुबारकबाद पेश करता हूँ बल्कि आपको हमारी जमात की तरफ से सलाम पेश करता हूँ. उसी तरह हमारे डॉक्टर शेट्टी साहब हैं डॉक्टर विश्वनाथ शेट्टी हो गए मुझे हर पूर्व तो आगे नानो अभिनंदन करें नमन जमात समस्त वकील का एक अंदर या नियो सेवन को मुझसे जिसकी दिला नाम को दशक की चिंता मेरे ना साल को हमने को लगा पता ही नहीं कि उम्र ने आदम से ये उम्र ने ये होते
आपका मेजबान हसन बापा आपसे रुखसत चाहता है। अस्सलाम वालेकुम।